आगे बढ़ते हैं। उधर कांग्रेस में हरक सिंह रावत की एंट्री का विरोध भी हो रहा है। जी हां, केदारनाथ से कांग्रेस विधायक मनोज रावत खुले तौर पर कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जैसे नेता की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। मनोज रावत से बात की हमारे संवाददाता रवि कैनपुरा ने, सुनिए। हरक सिंह रावत के भाजपा से निष्कासन के बाद अब उन्होंने ये तो साफ तौर पर कहा कि वो कांग्रेस में ही जाएंगे, लेकिन अभी तक उनकी एंट्री को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी दिल्ली में हैं और कांग्रेस हाईकमान इस पर अंतिम फैसला लेगी, जिस पर अभी इंतजार करना है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मनोज रावत हैं, जो कि केदारनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं। वो किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? मनोज जी, हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर 2016 का भी जिक्र लगातार हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 5 साल सरकार में सत्ता का सुख भोगने के बाद बर्खास्त मंत्री हरक सिंह जी ने भले ही इच्छा जाहिर करी हो कि वो कांग्रेस की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन क्या कांग्रेसी उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आम कांग्रेसी, उत्तराखंड का आम कांग्रेसी 16 की घटना को नहीं भूला है। आम कांग्रेसी उस दिन को नहीं भूला है जिस दिन एक गिरोहबंद तरीके से, जिसका नेतृत्व हरक सिंह जी ने किया था, उन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया और देश के उच्च न्यायालय ने जिस वाकये को लोकतंत्र की हत्या बनाया और कांग्रेस को 5 साल तक के जिस तरह से इन्होंने जलील करा सरकार में, सदन में और सदन से बाहर, तो आम कांग्रेसी इस बात को, जिसमें मैं भी एक कांग्रेसी हूँ, हम बिल्कुल भूल नहीं पाए हैं। तो इसलिए वो भले ही कांग्रेस की सेवा की आज बात कर रहे हों, लेकिन कांग्रेसी क्या उनकी सेवा लेना भी चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ये अहम बिंदु है। आप सोशल मीडिया पर, अखबारों में, आम लोगों के बीच में जा रहे हैं, आप उनके बारे में जो टिप्पणियाँ चल रही हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेसी उनको कांग्रेस में लेने के पक्ष में है या कांग्रेस में उनके आने से किसी को कोई फायदा होने वाला है। मनोज जी, प्रदेश स्तरीय शीर्ष नेताओं से क्या आपकी बातचीत हुई है? आपकी जो नाराजगी है, आपकी उनसे कोई बातचीत हुई, आपने उनको सलाह दी या बातचीत करी है? क्योंकि अभी लगातार इस बारे में चर्चा चल रही है, दिल्ली में सभी नेता डटे हुए हैं। देखिए, विभिन्न हमारे संगठनों ने, जिला संगठनों ने अपनी इच्छा को शीर्ष नेतृत्व के सामने लिखित में भी भेजा है और मेरी भी जिन शीर्ष नेताओं से बात हुई है, मेरा साफ मानना है कि हरक सिंह जी पर बेहद संगीन मामले हैं, जिनमें से एक मामला मैंने जब नियम 58 में उठाया, कर्मकार कल्याण बोर्ड का 20 करोड़ रुपया फर्जी ढंग से, कोटद्वार के फर्जी मेडिकल कॉलेज जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, उसके निर्माण के नाम पर रूफ एंड ब्रिज कॉरपोरेशन कलकत्ता को दिए थे, तो वो मेरा मामला उठाने के बाद उसको 2 दिन में वापस 18 करोड़ पहले आए और 2 करोड़ रुपये कहाँ रुके हुए थे DPR के नाम पे, वो मुझे जो लगता है कि 2 करोड़, सब प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि वो 2 करोड़ कहाँ से वापस मंगाए गए, सरकार को मजबूरी में वापस मंगाना पड़ा, ऐसे दर्जनों मामले हैं। तो शीर्ष नेतृत्व के जो भी नेता उनकी गारंटी लेते हैं, उनको उनकी शुचिता के, उनके चरित्र के, उनके सभी मामलों पर गारंटी लेनी होगी, कहीं ऐसा ना हो कि उनका लेना कांग्रेस को भारी पड़ जाए। आप इस बात का विरोध कर रहे हैं उनकी एंट्री को लेकर, आपके साथ तमाम और लोग भी हैं, एंट्री अगर हो जाती है उसके बाद आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं उन्हें हमेशा लोकतंत्र का हत्यारा मानूंगा, कांग्रेस का अपराधी मानूंगा, 16 में जो उन्होंने वाकया किया है, और मैं इस बात पर भी अडिग हूँ कि वो उनकी किसी भी राजनीतिक विचारधारा के प्रति वैचारिक निष्ठा नहीं रही है। उन्होंने सदन में दर्जनों बार कहा है, मैं जब चाहे जिस दल में चले जाता हूँ, जिसको चाहे उसको मैं साथ लेता हूँ, तो मेरी उनकी छवि मेरे मन और मस्तिष्क में, मेरी वाणी में उनकी यही छवि रहेगी। निश्चित तौर पर देखिए, हरक सिंह रावत की एंट्री को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है, दिल्ली में तमाम चीज़ों को लेकर माथापच्ची चल रही है, लेकिन केदारनाथ से जो विधायक है कांग्रेस के मनोज रावत, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो उन्हें लोकतंत्र का हत्यारा ही मानेंगे और पार्टी को भी अगर निर्णय लेना है तो सोच समझ कर लेना पड़ेगा। ऐसे में हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर भी इन तमाम चीज़ों को लेकर विद्रोह की स्थिति बने। ऐसे में अभी लगातार हरक सिंह रावत ने भले ही खुद इच्छा जाहिर की हो कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है, इस पर अभी प्रतीक्षा करनी होगी। अपने सभी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंत्रा, ABP गंगा, देहरादून।